अभी जीप के आने में थोड़ा टाइम था, तो जो हमारा होटल है ना उससे बैक साइड पे जो है ना वो ये दरियाए कुनहार जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ज़रा थोड़ी देर इसका इसको इंजॉय किया जाए, वापस आके हो सकता है अंधेरा हो गया हो तो फिर जो है वो कल की तरह मिस हो जाए। अब हम जा रहे हैं लालागंज, पहले हमने सोचा था कि वहाँ नहीं जाएंगे, फिलहाल तो बड़ा साफ रास्ता है, लेकिन मैंने लालागंज के बारे में सुना हुआ कि उसका रास्ता बहुत ज़्यादा है खतरनाक सा। इधर जो हमसे आगे गाड़ी जा रही थी ना उसमें थोड़ा सा इशू है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ गया। हम यहाँ पे अभी इस गाड़ी के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इतने आप ऊपर आने का रास्ता चेक करो जरा। लालाजार पहुंच गए हैं हम, रास्ता थोड़ा सा है कि मतलब नैरो है और आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो रिवर्स वगैरह करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ जब आप ऊपर पहुंचोगे ना तो बस सारे पैसे जो है ना पूरे हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। यार मैं तो कहूँगा कि अगर आप नारायण आते हो ना तो यहाँ मस्ट आओ। रास्ता मुश्किल है, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन जब आप यहाँ ऊपर आते हो ना व्यू देख के ना सारी जो डर थकावट ये वो सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक दो पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़ भी गिरी हुई नज़र आ रही है। तो ये है यार लालाजार, अभी इसके बाद आगे हमने बाबूसा टॉप जाना है। झील सैफुलमलूक का सीन थोड़ा मिस लग रहा है, शायद कल अगर पॉसिबल हुआ तो कल जाएं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है तो उस वजह से ना रास्ते वगैरह बंद हैं।